वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाजी, मेरे साथ मौजूद है मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट टेक पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ब्लेसिंग। वो भी आशीर्वाद देने पहुंच गए। जबरदस्त। ये थे मुकेश अंबानी। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि वाकई नरेंद्र मोदी जी का भी होना बनता है। ये सोने पे सुहागा बोलते हैं ना कि एक मतलब महफिल की रौनक बन जाती है। तो वो बन ही गया। आना और प्रेसिडेंट का मतलब कि बहुत एक इज्जत अफजाई हो जाती है ना, कि एक अच्छे लेवल पे एक शादी हो रही है और मतलब और इतने सब बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, तो मोदी जी का तो 110% बनता है। अपने मुल्क के बढ़ानी है। अच्छा, यूँ समझ ले कि पूरी दुनिया के कैमरे, पूरी दुनिया की न्यूज चल रही होंगी, मोदी जी गुजराती, अंबानी गुजराती, अडानी गुजराती,
यानी इस वक्त अब शायद ही कोई न्यूज़ चैनल, शायद ही कोई मीडिया का चैनल इस वक्त किसी गुजराती को कैप्चर ना कर रहा हो। हाँ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके डीएनए में, कहीं ना कहीं इनके यूँ समझ लो कि दिमागों में, खून में, ब्लड में कोई ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया पे छाए हुए हैं। हाँ, कुछ ना कुछ एक ग्रोथ होती है ना कि नस्ल दर नस्ल जैसे वो बस आगे बढ़ना, बिजनेस करना है। हाँ, पैसा ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होता है ना। हाँ। कि आप हाथ डालो पैसा बन जाएगा। लेकिन ये होता है, लेकिन मेहनत की है। लेकिन ये कि, लेकिन ये कि इनके अंदर मैंने देखा है कि गुजराती काम में शर्म नहीं, बचपन से इनका। हाँ, बिजनेस माइंड होता है कि भाई ये करना है, कुछ इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरह का प्लान होना चाहिए, इस तरह जाना चाहिए, और मेहनती बहुत होते है ना। हाँ। मेहनत के बगैर तो कुछ करना। हाँ, बिल्कुल। जब ये आज आगे परफॉर्म करना, अपने काम को देना और मनवाना, नो डाउट। और ये दुनिया को बता भी दिया है। आज जो दुनिया देख रही है, पूरे मुल्क में लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है कि कोई भी करोड़पति अरबपति बंदा है किसी कंट्री का, उसका सियासत दानों से लिंक जरूर होगा, बेशक सियासत में ना हो। क्योंकि आप अगर कोई बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुल्क के एक बहुत बड़ा नाम है आपका, तो आपको कहीं ना कहीं सियासत दानों अपने हाथ में रखना। हाँ, बिल्कुल टच होते हो, लेकिन भले आप उसके अंदर आप डीप में नहीं भी होते हो, लेकिन आप इनके साथ होते हो। इनकी पार्टियों को फंड करना, इनकी पार्टियों को सपोर्ट करना, इलेक्शन के दिनों में फंडिंग करना, कल को जब वो पार्टी बनती है, वो पार्टी सत्ता में आती है, फिर वो पार्टी उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, नहीं पब्लिक को नहीं पता चलता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फंडिंग देती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क के लोगों का फ़ायदा है, मुल्क में रोज़गार खुलते हैं, मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगती हैं, मुल्क के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है, तो नॉट बैड, नॉट बैड। इनके टाटा के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि टाटा को इन्होंने बड़ी सस्ते में ज़मीन दी थी, वो टाटा नैनो का कार का प्लांट लगाने के लिए। तो फिर उन्होंने बताया था कि भाई वो ज़मीन ही अडानी को दी थी शायद, अडानी को दी थी। तो अडानी ने बताया था कि वो ज़मीन बिल्कुल कीचड़ में थी, वो ज़मीन में इतना पानी था। वो ज़मीन बेशक हमें 1-2 रुपये फिट में मिली थी, लेकिन उस ज़मीन को हमने करोड़ों रुपए लगा के सेट किया है, सेट किया है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर लोग नुक्ताचीनियाँ करते हैं कि यार इन करोड़ोंपति लोगों को हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, तो वो तो जंगलों को आबाद करके अगर कारखाने लगा रहे हैं, तो वो जंगल तो 10 साल 100 साल तक जंगल ही रहता। हाँ, जंगल ही। अगर वो दलदली ज़मीन थी, वो पता नहीं कई साल तक दलदल रहती। अगर किसी करोड़पति बंदे ने उसको, बल्कि गवर्नमेंट को तो कहना चाहिए मेरी ज़मीन है, आपकी ज़मीन है, यहाँ पे कुछ कर सकते हो तो करो, इन लोगों को रोजगार मिले, तो ये अपने मुल्क का ही नाम रोशन हो रहा है ना। और हाँ। क्या हो रहा है, अपने मुल्क के लोगों को रोजगार मिल रहा है, अपने मुल्क में आप लोग नाम रोशन कर रहे हैं, तो सही है, जंगल बना हुआ होता तो इससे तो बेहतर है ना। उस पे भी लोग तंज करते हैं, उस पे भी लोग कीड़े निकालते हैं कि यार अडानी का इनका ताल्लुक है, इन्होंने इतने सस्ते में जमीन दे दी, चलो दे दी, इसका मतलब दी है ना बिजनेस के लिए। बिल्कुल। तो आज फायदा किनको है, बेनिफिट किनको है, आप लोग के अपने मुल्क को ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी शादी, और इनकी शादी के कार्ड की कीमत मैंने एक वीडियो में देखा, तो पता चला इंडियन 7 लाख रुपए का इनविटेशन वाला कार्ड, जो आपको इनविटेशन आता है ना, 7 लाख तो वो कार्ड वाले कितना वेल ऑफ हो गया। और जाहिर सी बात है, जॉन सीना जैसे लोगों को कार्ड आए होंगे 7 लाख का, पाकिस्तानी में 21 लाख लेकिन क्या लेवल होगा, क्या लेवल। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।